रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप को जोड़ने वाले पुल में आज सुबह विस्फोट हुआ था। इस पुल का आधा हिस्सा टूटकर वहीं गिर गया। रूसी जांच टीम से अहम जानकारी मिली है। क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने वाला उसी विस्फोट में मारा गया। यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। हमले के बाद पुतिन एक्शन मोड में हैं। उन्होंने FSB के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। यूक्रेन के सलाहकार मिखाइल पेडोलिक ने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, जो भी अवैध है उसको नष्ट किया जाएगा। अब दोनों देशों के बीच युद्ध और तेज होने की संभावना है। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया रूस को जोड़ने वाला पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल में आग लगाई गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस हमले की जांच कर रहे हैं। रूस ने इसके लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमले के लिए पेंटागन ने हथियार दिए थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के पीछे जेलेंस्की का दिमाग है। बताया जा रहा है कि इस पुल पर भयंकर विस्फोट की वजह से इसका एक हिस्सा टूटकर जलमग्न हो गया। इस कच स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन राष्ट्रपति पुतिन ने साल 2018 में किया था। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक पुल पर शनिवार को ट्रक में रखे गए बम के धमाके से आग लगी और पुल के कुछ हिस्से ढह गए। क्रीमिया के जरिए ही रूस यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में युद्ध के लिए साजो सामान भेजता है। रूस की राष्ट्रीय आतंकरोधी समिति ने बताया कि ट्रक में रखा बम फटने से ईंधन ले जा रही ट्रेन की 7 बोगियों में आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुल के 2 हिस्से आंशिक रूप से ढह गए। क्रीमिया प्रायद्वीप रूस के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है और ये दक्षिण में उसके सैन्य अभियानों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यदि पुल को बंद कर दिया जाता तो इससे क्रीमिया तक साजो सामान भेजना और मुश्किल हो जाएगा। रूस ने साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था और फिर इस पुल का निर्माण कराया था। शनिवार तड़के पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर के बम धमाकों से दहलने के कुछ घंटे बाद यह घटना हुई। खार्किव के मेयर एहर चेरेखोव ने टेलीग्राम पर कहा कि तड़के हुए विस्फोट शहर के मध्य में हुए मिसाइल हमलों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विस्फोट से शहर के एक चिकित्सा संस्थान और एक गैर आवासीय इमारत में आग लग गई। हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि माना जा रहा है कि आगामी कुछ समय में रूसी सेना अपने आक्रमण में और तेजी ला सकती है और साथ ही कई और इलाकों को निशाना बना सकती है। वहीं रूसी सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन इलाकों पर रूसी वायुसेना टारगेट सेट करके हमला करेगी जिन इलाकों से यूक्रेन को जरूरी सामानों की सप्लाई दी जा रही है। दरअसल इस तरह का आक्रमण पुतिन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके और यही कारण है कि रूसी सेना के तरफ से टारगेट सेट करके आक्रमण करने में काफी ज्यादा तेजी भी अब देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए पुतिन का ये प्लान काम करता भी है या नहीं, क्योंकि पुतिन ने अब टारगेट सेट करके हमला करने का भी आदेश लगभग दे ही दिया है। और अगर पुतिन ने नहीं भी दिया है तो भी रूसी सेना की तरफ से पिछले 24 घंटे में टारगेट सेट करके हमला करने की पूरी रणनीति बन चुकी है और हमले किए भी जा रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में यूक्रेन के लिए चुनौती ये होगी कि वो अपने सामानों की रक्षा भी करे, साथ ही आम लोगों की जिंदगी भी बचाए, क्योंकि इस हमले के बाद जाहिर सी बात है रूसी सेना किसी भी हाल में बैठने वाली नहीं है और ऐसे में रूसी वायुसेना का हमला भी तेज हो ही जाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।